हेलो गाइस, ये आ गई है आपका स्मार्ट वॉच गर्ल्स के हिसाब से, जो गिफ्ट में देने में स्टेम नंबर एक पे कह सकते हैं। क्योंकि आप ये चीज़ गिफ्ट में देंगे तो इसमें ये बेनिफिट है कि जब भी आपके स्टेप आएगा तो एकदम आपकी याद आ सकती है। तो देख पा रहे हैं आप, कुछ इस तरीके का ये इसका लुक है जो मैं आपको एक एक करके दिखाने वाला हूँ। इसके मॉडल नंबर की बात करें तो मॉडल नंबर इसका है आपका Gen 16, ये देख पा रहे हैं। और मैं इसका बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही हम ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इसका लुक आता है, ये देख पा रहे हैं आप, कुछ इस तरीके का मॉडल है वॉच Gen 16। यहाँ पे भी एक इसकी पैकिंग दी हुई है। ये स्मार्ट वॉच है, इसको हम अभी एक साइड रख देते हैं, पहले इसके अंदर देखते हैं हम क्या क्या मिलता है। तो इसको भी हटा लेते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का इसके साथ सामान है। एक वायरलेस चार्जर दिया हुआ है, किसी भी अडेप्टर में हम लगा सकते हैं 5 एम्पियर तक, ये 2.43 एम्पियर ये वायरलेस। और इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ भी आपकी आधा मीटर के करीब है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आधा मीटर इसकी लेंथ है। तो इसको भी रख देते हैं। उसके साथ मिल जाती है एक पिन जो आप स्मार्ट वॉच में लगाएंगे, और ये मिल जाता है इसका बेल्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देख लीजिए, काफ़ी बेहतरीन ये लग रहा है आपका, और हाथ में लगने के बाद काफ़ी बेहतर लगेगा। तो आप गिफ्ट दोगे तो काफ़ी बेहतर है ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसको भी हम एक साइड रख देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। अब आ जाता है स्मार्ट वॉच, ये देख पा रहे हैं, इनको दोनों चीज़ों को हम एक साइड रख देते हैं। ये देख पा रहे हैं, ये आपकी, आपको इसमें पता ही नहीं लग रहा होगा कि कहाँ पर वॉच है। इसको हटाएंगे, ये आ गई आपकी वॉच, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल प्यारी सी वॉच लग रही है, जो हाथ में लगने के बाद काफ़ी बेहतर लगेगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देख लीजिए आप, ये मैंने ऑन कर दी है। ये आपका इसका 1x1 वॉलपेपर, जैसा कि आप ये AMOLED डिस्प्ले ये देख पा रहे हैं। पहले मैं आपको वॉलपेपर दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये इसके वॉलपेपर है। और इस तरीके से करेंगे हम, उसकी टच जो है, टच बड़ी प्यारी इसकी चल रही है। इसके अंदर आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, ये देख पा रहे हैं आप, कुछ भी आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। बेक लेंगे तो इसके अंदर और भी काफ़ी एक से एक फीचर है। नोटिफिकेशन ये आपको दिखाएगा और कैलेंडर आपको दिखाएगा। ये देख पा रहे हैं आज 1 फरवरी है, तो ये आपका इसने दिखा दिया है। तो इसमें भी हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अंदर गेम भी है, आप देख पा रहे हैं गेम, 4 गेम है इसके अंदर जो आप खेल सकते हैं। ये गेम का ऑप्शन आपको इन्होंने दे रखा है, ये देख पा रहे हैं, गाड़ी का गेम है। इधर करेंगे तो हम आपकी आ जाएगी, जैसा गेम है हुआ। इसके अंदर गेम भी काफ़ी सारे हैं। तो आप गिफ्ट देने के लिए बड़ी स्मार्टी वॉच है। तो सबसे पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ऊपर की साइड से शटर गिराएंगे हम तो कुछ इस तरीके की इसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। ये आपका ब्लूटूथ है, यहाँ पे जाएंगे तो हम QR कोड से गूगल से भी कर सकते हैं और इसका नाम निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका मोड वो आ गया है गेमिंग का ऊपर से ही। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका स्टाइल है, यहाँ पे करेंगे तो ये वाला स्टाइल आ जाएगा आपका। उसके बाद अगर आप नीचे वाले पे करेंगे तो आपका तीसरे नंबर पे ये वाला स्टाइल आ जाएगा, ये देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का है। चौथे नंबर पे करेंगे तो हम आपका ये वाला स्टाइल आ जाएगा, ये देख पा रहे हैं आप, ये देख लीजिए म्यूजिक वगैरह सब चीज़ें इसके अंदर। और आपका इसके अंदर काफ़ी सारे वॉलपेपर आप लगा सकते हैं, ये देख पा रहे हैं स्टाइल। इसके अंदर 6 स्टाइल हैं, एक ये वाला स्टाइल आपका, ये देख पा रहे हैं आप, देखो कितना प्यारा स्टाइल आपका ये लग रहा है। और आपका 6ठे नंबर पे करेंगे तो ये आपका स्टाइल ये वाला आ जाता है, जो भी आपको चलाना है। ये म्यूजिक प्ले है, अगर ब्लूटूथ से हम कनेक्ट करेंगे तो इसका आपका म्यूजिक आएगा। दूसरी साइड आ जाते हैं हम सेटिंग, सेटिंग के अंदर हम देख पा रहे हैं QR कोड निकल जाएगा, और आपका टाइम सेटिंग कर सकते हैं, राइट स्क्रीन लगा सकते हैं, मदरबोर्ड रीसेट, पासवर्ड, पासवर्ड भी लगा सकते हैं इसके अंदर हम, अगर पासवर्ड हम लगाना चाहें तो पासवर्ड भी हम लगा सकते हैं। तो हम अभी नहीं लगाते, जब आपको देनी होगी जब आप लगा सकते हैं। तो ये इसके अंदर काफ़ी सारी फीचर दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं एक बार आपको फ़ोन से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ और आपको नॉर्मली वॉलपेपर लगा के दिखा देता हूँ। लिया है तो हम इसको अब कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका फीचर ऑन रखना है, ये जो ऑन है, उसके बाद आपको डायरेक्ट गूगल में चले जाना है। गूगल में जाएंगे, कैमरे पे टिक करेंगे, इसकी यहाँ पे आपको ब्राइटनेस बढ़ा लेनी है अगर कम लगे, क्योंकि आपको QR कोड सर्च करना है, तो जितनी क्लियरिटी होगी उतना बेहतर आएगा। ये जैसे करेंगे हम, ये आपका QR कोड आ जाएगा कैमरे पे टिक करके, ये हम, या डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ प्रॉपर एकदम।
ये देख पा रहे हैं आप, ये इसका ये आ चुका है, इसको हम सर्च कर रहे हैं क्यूआर कोड पे। तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे चले जाएंगे। अगर आप प्ले स्टोर पे नहीं जाना चाहते तो आप इसका नाम से भी सर्च कर सकते हैं। ये देख लीजिए इसका नाम आ रहा है डेली फेड, ये आपका। तो गाइस ये हमारा ऐप डाउनलोड हो गया, यहाँ पे आपको ओपन करना है। ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इसकी नोटिफिकेशन खुलेगी, यहाँ पे आपको एग्री कर देना है। जैसे आप एग्री करेंगे अपना ये लोगो दे रहा है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है। यहाँ ऊपर की साइड कंटिन्यू ऐप, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का आपका ये खुल जाएगा। ये देख लीजिए ओके कर देना है, अलाउ कर देना है, और दूसरे नंबर में है ना डिवाइस पे, डिवाइस पे जैसे हम टिक करेंगे ये ऊपर की साइड सबसे ऊपर आ रहा कनेक्ट, ये देख पा रहे हैं। मैं आपको और थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, कनेक्ट पे टिक करेंगे जैसे हम, तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन मांग रहा अलाउ, कुछ इसको परमिशन दे देनी है। दोबारा से आपको इसमें ही जाना है, ये सर्च करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही सर्च करेंगे ये आपका आ चुका है वॉच, जो जो आपकी वॉच ऑन है ये सब यहाँ पे शो कर देगा। तो ये अभी आपका पकड़ने वाला है, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ अपनी ऑन रखनी है, और ये आज जो है वॉच 9, ये जैसे हम टिक करेंगे इस पर तो ये यहाँ पे दिस डिवाइस इज कनेक्टेड, ये आपका ओके कर देना है। हमारी ये कनेक्ट स्टार्ट पेयरिंग दोबारा से हो गई है, जो ब्लूटूथ सर्च करेगी। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें आपका हो जाएगा कनेक्टेड पेयर, पेयर डिवाइस जैसे हम करेंगे तो ये डायरेक्ट ब्लूटूथ से भी अपना ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका जो आपका ऐप था ये इसने पकड़ लिया है, अगर ये इस पर हम कॉल करते तो जब भी पकड़ लेता। दूसरे नंबर में आपको दिखा देता हूँ वॉलपेपर आपको कैसे लगाना है, इसको यहाँ पे ओके कर देना है आंसर पे। इसकी यहाँ पे कुछ ये नोटिफिकेशन मांग रहा है, जो आपको इसको ऑन रखनी है, जो भी नोटिफिकेशन आएगी आपकी ये ऑन हो चुकी है। तो इसको हम बैक ले लेते हैं, जैसे बैक लेंगे सबसे आपका ये आ चुका है डायल सेटिंग। डायल सेटिंग में ये देख पा रहे हैं इसके ये खुद के वॉलपेपर हैं, अगर आपको लगाने हैं काफ़ी सारे वॉलपेपर हैं। अगर आपको अपना वॉलपेपर लगाना है तो आप जाएंगे एल्बम में, एल्बम में जैसे आप जाएंगे ये ऑटोमेटिक गैलरी फ़ोटो, तो हम गैलरी से फ़ोटो उठा लेते हैं। तो जैसे ही हम गैलरी में टिक करेंगे हमारी गैलरी खुल जाएगी, यहाँ कर देना है आपको गैलरी पर टिक करने का, और ये फ़ोटो आ चुके हैं। अगर आप मेरा कवर का भी काम है, अगर आपको कोई मॉडल कवर चाहिए तो वो भी आप लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ फ़ोटो लगा के, तो हमने ये फ़ोटो ले लिया है और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये कर लिया है। अगर आपको और अपना हिसाब से लगाना तो आप यहाँ राइट पर निशान टिक करेंगे और दोबारा इस पर टिक करके ओके कर देंगे। ये देख पा रहे हैं हमारी लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका इसमें फ़ोटो आपका लग रहा है। तो अपने हिसाब से कुछ इस तरीके का आपका ये 2 से 10 सेकंड तक फ़ोटो लग जाएगा। देख पा रहे हैं आप 62, 65, 68, 71, 74 ये आपकी लग गई, तकरीबन 15 सेकंड में ये आपका फुल हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं आप, ये आपका स्पेस लग गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए, ये देख पा रहे हैं आप, ये आपका फ़ोटो लग चुका है, कितना प्यारा। और आपको अपने हिसाब से टेम सेट करना है तो वो भी टेम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, एडजस्ट कहाँ पे आ रहा है, तो मैंने ये आपको लगा के दिखा दिया है। दूसरी चीज़ आप ये आपकी नोटिफिकेशन भी दिखाएगा, तो ये आपका वॉलपेपर लग चुका है और मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको पता करनी तो आप पता कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।